जियो, आज हम बीए फाइनल पेपर सेकंड जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला पेपर है उसमें शीत युद्ध के अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो विद्यार्थियों, शीत युद्ध अपनी किस्म का एक अलग युद्ध था जिसका हम शाब्दिक अर्थ नहीं निकाल सकते। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास है, एक प्रमुख सीमा चिन्ह है। विश्व युद्धोत्तर काल में अमेरिका व सोवियत संघ परस्पर विरोधी महाशक्तियों के रूप में उभरे। भले ही युद्ध के दौरान दोनों एक ही पाले में थे, सोवियत संघ अमरीकी संबंधों में कटुता, वैमनस्य और मनोमालिन्य में निरंतर वृद्धि देखी गई। दोनों के कटुतापूर्ण संबंधों ने संपूर्ण विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों खेमे एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगे। एक दूसरे को कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संभव हो तो सैनिक मोर्चे पर भी पराजित करने में संलग्न हो गए। संपूर्ण दुनिया दोनों पहलवानों के लिए अखाड़ा बन गई। वस्तुतः शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियां, साम्यवादी एवं पूंजीवादी, सर्वोच्चता या श्रेष्ठता के लिए आपस में संघर्ष कर रही थीं। जबकि यथार्थवाद के प्रवक्ता प्रोफेसर मार्गेंथो कहते हैं, शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीनीकरण है जिसमें बदलते अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवेश में उदित हुई दोनों महाशक्तियाँ अमेरिका व सोवियत संघ विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थीं। शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग अमेरिकी राजनेता बर्नार्ड बारूच ने किया तथा प्रोफेसर लिपमैन ने इसे लोकप्रिय बनाया। शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ अमेरिकी शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। उष्ण शांति के इस युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध देखे गए। यह ऐसा युद्ध क्षेत्र था जिसका मैदान मानव मस्तिष्क था। यह वाक युद्ध था जिसे कागज़ के गोलों, मौखिक तोपों तथा संचार साधनों से लड़ा गया। यह प्रचारात्मक व कूटनीतिक युद्ध था जिसमें शत्रु को अकेला करने व मित्रों की खोज करने का कौशल था। देखो साथियों, शीत युद्ध के बारे में तमाम तरीके के विचार प्रचलित हैं, लेकिन मुख्यतः ये माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख सीमा चिन्ह हमें दिखाई दिया। वो ये था कि जैसे ही मित्र राष्ट्र जीत रहे थे, दूरी राष्ट्र हार रहे थे और मित्र राष्ट्रों में शक्ति का संतुलन उस समय इस प्रकार हो रहा था कि युद्ध के उपरांत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में एक प्रतिद्वंद्वता की स्थिति दिखाई दे रही थी। उसमें कुछ परमाणु बम का रहस्य इत्यादि तमाम कारण थे जिनसे एक शीत युद्ध जैसे हालात बने। पंडित नेहरू कहते हैं, शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। केपीएस मेनन कहते हैं, शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों और जब वह पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थीं, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां थीं, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र। दो गुट थे, नाटो और वार्सा पैक्ट। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ। दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फोस्टर डलेस। तो देखो, केपीएस मेनन ने बहुत ही शानदार तरीके से शीत युद्ध का वर्णन किया है कि शीत युद्ध सिर्फ विचारधारा का युद्ध नहीं था, सिर्फ पद्धति का नहीं था, गुटों का नहीं था, दो राज्यों का नहीं था, वरन इन सब का समग्र रूप था जिसमें विचारधाराएं भी थीं, सैनिक गुट भी थे,
और दोनों गुट यिन के प्रकारण एक दूसरे को कमतर करने का भरसक प्रयास कर रहे थे। आगे डी एफ फ्लेमिंग कहते हैं, शीतयुद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं वरन मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है तथा इसके द्वारा उसके विचारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अर्थात फ्लेमिंग के अनुसार ये एक पैंतरेबाजी है, ये हकीकत या वास्तविक युद्ध नहीं है, लेकिन ये एक युद्ध जैसे हालातों के बीच में रहना है। जोसेफ फ्रेंकल कहते हैं, शीतयुद्ध दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों तथा प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीतयुद्ध वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध का वातावरण होता है। यह हथियारों से न लड़ा जाकर प्रतियोगिता, घृणा तथा दूसरों को नीचा दिखाने आदि साधनों से लड़ा जाता है। तो शीतयुद्ध के बारे में हम ये कह सकते हैं कि शीतयुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय दुनिया का एक प्रमुख समाचार था, एक प्रमुख घटना थी, प्रमुख परिघटना थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सोवियत संघ के खात्मे तक अर्थात 1990 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक दिशा दी और दशा प्रदान की। शीतयुद्ध की प्रकृति, इसमें शीतयुद्ध की तरह का तनाव व विरोध तो विद्यमान होता है, परंतु युद्ध से दूर रहने का प्रयास किया जाता है। दूसरा बिंदु है, शीतयुद्ध में संलग्न प्रत्येक राज्य अपनी शक्ति तथा प्रभाव का विस्तार करता है तथा इसका प्रयोग इस तरह करता है ताकि विरोधी की शक्ति सीमित हो। अर्थात शीतयुद्ध के दौरान सोवियत संघ ये चाहता था कि अमेरिका की शक्ति सीमित हो, इसके लिए वारसा पैक्ट वगैरह तमाम संधि समझौते चल रहे थे। ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका प्रयास कर रहा था कि नाटो के माध्यम से जो सोवियत प्रभाव में जो देश हैं उनको रोका जा सके। इसमें विश्व शांति एवं सुरक्षा युद्ध के डर के साए में जीवित रहती है। विश्व शांति एवं सुरक्षा तो बनी रहती है, लेकिन हर पल प्रतिपल ये भय सताए रहता है कि कब युद्ध की स्थिति बन जाए। जैसे कि हमने शीतयुद्ध के दौरान क्यूबा संकट का दौर देखा, तब हालात बड़े जटिल हो गए थे, शस्त्रीकरण की दौड़ तीव्र रहती है। निश्चित रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण वजह है शीतयुद्ध की कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, पूरी दुनिया इनके पीछे इनकी दौड़ में शामिल हो गई। विरोधी महाशक्तियाँ यद्यपि शांतिपूर्ण कूटनैतिक संबंध बनाए रखती हैं, परंतु प्रचार एवं मनोवैज्ञानिक युद्ध द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे की आलोचना करती रहती हैं। ये देखा जाता था कि शीतयुद्ध के बाद तनाव शैथिल्य की स्थिति आई, तनाव शैथिल्य के बाद दूसरा शीतयुद्ध स्टार्ट हो गया, वार्ता इनमें चलती रही, लेकिन ये इनके इन प्रकारण जोड़ तोड़ की राजनीति चलती रही। ये चलता रहा कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का हर प्रयत्न करते रहे और दुनिया को दिखाने के लिए इनमें वार्ताएं भी चलती रहीं। अगला बिंदु है, परोक्ष युद्ध शीतयुद्ध के उपकरण होते हैं। मतलब शीतयुद्ध का जो प्रमुख टूल है, प्रमुख उपकरण है, वो अप्रत्यक्ष युद्ध है। इसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता है, जिसको हम उष्ण युद्ध कह सकते हैं। जैसे मारकाट वाला दोनों महाशक्तियों के मध्य प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि युद्ध नहीं होगा, ऐसे हालात थे। अर्थात हालात ऐसे थे कि जिनमें युद्ध की बिल्कुल ऐसी संभावनाएं थी कि अगले ही कुछ समय में युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। ये एक दबाव का समय था जिसमें विभिन्न दुनिया की जो केंद्र थे, जहाँ भी शक्ति की प्रतिस्पर्धा हो रही थी, तो एक पक्ष होता था, कहीं भी लड़ाई हो रही है पूरी दुनिया में, उसमें एक पक्ष होता था। पक्ष के साथ अगर सोवियत संघ है तो विपक्ष के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, अगर विपक्ष के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका है तो पक्ष के साथ सोवियत संघ होगा। इनको हम कश्मीर समस्या, भारत पाक संबंध, क्यूबा संकट, अरब इजराइल संघर्ष, अफगान संकट जैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय संकटों में देख सकते हैं। सशस्त्र शांति नाम से जाना जाने वाला शीतयुद्ध तनाव की उस स्थिति से के लिए प्रयुक्त होता है जब महाशक्तियों के मध्य
तीव्र शत्रुता एक दूसरे को निर्बल बनाने के लिए गहन शस्त्र और कूटनीतिक संघर्ष आदि सभी उपायों में परिलक्षित होती है, सिवाय उनके जिसमें प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई शामिल हो। शीतयुद्ध वास्तविक युद्ध की भांति शून्य जोड़ की स्थिति है, किंतु वह सैन्य उपायों का उपयोग न कर विचारधारा प्रचार एवं कूटनीति जैसे उपायों पर आधारित है। धन्यवाद। इससे अगला हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।